तो गाइस हमने थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दी है और कपड़े वपड़े भी सब धो के वहाँ रख दिए हैं, सूख रहे हैं, गर्म कपड़े हैं। और बाकी दो कमरे मैंने नीचे के साफ कर दिए हैं, एक यहाँ का और एक उधर वाला। वैसे देखो पहाड़ में काम करते हुए दोनों दोनों बहनें शर्म नहीं आ रही गाइस, इनको काम करा रहे हैं। तो सही तो है, साली किस काम की होती है ना गाइस, इतना काम ही नहीं कर सकती है। खाने की काम नहीं, घर का काम कराना चाहिए साली को जम के। ए देखो कल यहाँ पे राधा बना के लेके आ गई है चाय और साथ में लाई है पॉपकॉर्न। तो ये भनौली से ही लेके आए थे हमने यहाँ। इन लोगों को डर लग रही है इसलिए मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं दूर से कमरे में बहुत धुआं हो रहा है भाई, बहुत धुआं। यहाँ चूल्हे में रोटी बननी है और ये फूक करते रह रही है, इतना धुआं हो रहा है कि मेरे आँख से आंसू आ रही है। और रोटी देखो कितनी टेस्टी लग रही। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वानी व्लॉग्स। आप सभी को मेरा प्यार भर प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हल्द्वानी में तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है, यहाँ तो गाइस हम उठ चुके हैं कब के और ना धूप ना कुछ, कोहरा ही कोहरा है। आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का व्यू, इधर घूमो जरा, देखिए गाइस कितना कोहरा है, नीचे से पूरा कोहरा ही कोहरा आने वाला है। अभी धूप भी नहीं आई है और अभी गाइस हमारे दो टफी, एक ब्लैक एक ब्राउन, कैसे घूम रहा है इधर उधर। ये देखिए गाइस मौसम कितना अच्छा लग रहा है, धूप निकलने वाली है, अभी निकलनी है आराम से। अभी तो 9 बजे हैं, 10 बजे तक निकलती है यहाँ पे धूप, तो हम वेट कर रहे हैं धूप का, फिर नहाना धोना है हम लोगों ने। और ये आज सुबह से मिले गर्म पानी रखा हुआ है इन्होंने, गर्म पानी हो चुका है, दिखाती हूँ। हाँ रखा है गर्म पानी, हो चुका है, बस नहाना है। पर अभी धूप आई नहीं है तो हमने, अभी धूप आई नहीं है, फिर धूप आएगी फिर मैं नहाऊँगी क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम अभी नहा नहीं रहे। इस तरह सब उठा के रख दिया है। और देखिए गाइस राधा कर रही है ब्रूस, गर्म पानी दिया हुआ है इसको क्योंकि यहाँ पे बिना गर्म पानी के तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है, गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। और वो वहाँ पे है हमारा नल, वहाँ पे आता है पानी, ये है वॉशरूम, एक है नहाने वाला, एक है वो वॉशरूम, तो वहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह सब धोते हैं। ये है पूरा बाहर का व्यू। और अभी हमने यहाँ पे जो ये घास लगी है ना, इतने 6 महीने से 7 महीने से हम लोग आए नहीं थे तो ये घास जम गई है, ये सब निकालनी है हम लोगों को, तब निकालेंगे जब धूप आएगी। अभी धूप भी नहीं आई हुई है तो सब ऐसे ही फैला हुआ है, धूप आती फिर नहाते धोते और सारा काम हम लोग करते, इसके बाद फिर अब धूप का ही वेट हो रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे भी है, वहाँ पे ताई जी कर रही है हमारी काम, आग भी जलाई हुई है, बिना आग के तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हल्द्वानी में तो फिर भी आग नहीं जलाओगे चल जाता है, पर यहाँ पे नहीं चल सकता। तो ये कितना मस्त लग रहा है मेरे को, तो ये अच्छा लग रहा है, पर यह है कि यहाँ पे ठंडा बहुत हो रहा है। वैसे देखो पहाड़ में काम करते हुए दोनों दोनों बहनें, तो सही तो है, साली किस काम की होती है ना गाइस, इतना काम ही नहीं कर सकती है। खाने की काम नहीं, घर का काम कराना चाहिए साली को जम के। ए देखो घर की हालत देखो कैसी हो रही, छोड़ा है तो बंद है, बंद बंद में ऐसी हालत हो जाती घर की। अरे पहाड़ में आके तो पहाड़ी बोल ले, ए पहाड़ में आके पहाड़ी मुझे खिलाओ मैं भी सीखूंगी। पहाड़ी बोलोगे? ये अठनी है, किसको खाने बताओ। किसको को तो बुलानी, कम तो बुलानी में पहाड़, हमारा पहाड़। वो ताई जी काम करते हुए गाइस यहाँ पे हो रही है सफाई। यहाँ हमने बहुत सारी मिर्च बोई थी बट ना मिर्च सारी ख़त्म हो चुकी है,
और अब यहाँ पे खाली कूड़ा ही कूड़ा जमा हुआ है, ये साफ कर रहे हैं। दो ही मिर्च निकली है, एक ही मेरे हाथ में, एक नीचे, और इसको देखो कितने आराम से धूप सेकने में लगाया है, बड़े आराम से। और हमने भी नहा लिया है, अब यहाँ चल रही सफाई, अभी फिर आगे यहाँ पे का भी करना है। और बर्तन धो के यहाँ सुखा दिए हम लोगों ने सारे बर्तन, क्योंकि धूल वूल भी थी बर्तनों में। एक दो मिर्च ये भी है, ये लाल वाली, अरे यार तो गाइस हमने थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दी है, और कपड़े वपड़े भी सब धो के वहाँ रख दिए हैं, सूख रहे हैं, गर्म कपड़े हैं। और बाकी दो कमरे मैंने नीचे के साफ कर दिए हैं, एक यहाँ का और एक उधर वाला, अब बचे हैं ऊपर के। ज़्यादा तो गंदा नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत ही हो रहा था, जाली वाली लगी थी वो साफ कर दी है। अब हमारा बच्चा है किचन और ऊपर वाला, वो थोड़ा बहुत तो हमने किया था, पर कल रात देर हो गई थी, हम देर में घर पहुँचे तो जाली वगैरह निकाली नहीं है। आज मैं निकालूंगी जाली वहाँ से जितनी भी हो रही है, और थोड़ा और साफ करूँगी। तो अभी थोड़ी देर में खाना बनाते हैं, ऊपर वाला कमरा साफ करते हैं। तो गाइस धूप भी चले गई है, शाम हो गई है, और यहाँ पे हो चुका है पूरा ठंडा मौसम। यहाँ पे ना बहुत जल्दी धूप चले जाती है, 3 बजे अराउंड चले गई थी धूप, और जबकि अगर हल्द्वानी में होते तो वहाँ बहुत देर में जाती है धूप। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी ये बैठे हैं अंदर, वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ नीचे। बाकी अभी हम शाम की तैयारी करते हैं, दिन में हम लोगों ने खा लिया था खाना। और पहले मैं अपना ये रख देती हूँ यहाँ पे प्रेस का, तो हम लोगों ने दिन में खाना खा लिया था। और अभी यहाँ पे आ रहा है पानी, ये देखिए गाइस, यहाँ हमारा बिल्कुल खुल अच्छे से पानी आता है, पानी की कमी नहीं है। और पीछे भी हो रहा है यहाँ पे माल्टा वगैरह, तो दीदी लोग की डिमांड आई है कि घर लेके आना, और मामी लोग भी बोल रहे थे घर लेके आना, तो वो सब घर लेके आ रहे हैं। और राधा भी हमारी अभी हमारे लिए बना रही है चाय, शाम हो गई, ये लोग गए थे भनौली पता नहीं किसी काम से, तो वहाँ से आ रहे हैं। हम लोग अकेले थे, फ़ोन भी था नहीं मेरे पास, क्योंकि गाइस आज की जो मेरी कल की जो वीडियो थी वो काफ़ी लेट आई होगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आ नहीं रहे मेरे फ़ोन में, और एयरटेल की सिम है तो यहाँ पर जियो चलता है, जियो भी बहुत बड़ी मुश्किल से, तो वीडियो अपलोड करने के लिए हमारे पास नेट था नहीं, तो ये वहीं गए भनौली, वहाँ से इन्होंने किए वीडियो अपलोड। और अभी ये बना रही है चाय, तो वीडियो अपलोड करने के बाद फिर वो वीडियो आज काफ़ी लेट आई थी, वैसे तो मेरी और भी सारी वीडियो 8 बजे तक आ जाती है, पर आज लेट आई है, कल भी शायद लेट ही आएगी, जब नेट चलेगा तभी डाल पाऊँगी मैं, तो इसलिए मैं अपना दिन का व्लॉग जो है वो बना नहीं पाई। तो फिर अभी शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह भी किया था, अभी शाम को किया है। और अभी ये सारा हमने बर्तन धो के सब रखे हुए हैं, 3-4 दिन के लिए आए हैं, तो सारा सामान रखा हुआ है, उसमें हमने पानी भर दिया है पीने के लिए। अभी ये राधा बना रही है यहाँ पे चाय हमारे लिए, गाइस के काम करने के लिए लेके आए हैं। अब गाइस हम ही लोग हैं तो हमें ही काम करना पड़ेगा, हमें ही अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा, ये गलत बात है ना, हमें मेहमान मुझने मुझसे काम करना चाहिए। तो क्या हो गाइस, सबको करना चाहिए काम, जब करेंगे हम तभी तो खाएंगे, बिना काम करे तो कहीं भी खाना नहीं मिलता है फ्री में, तो ऐसे ही चल रहा है हमारा। और फिर एक दिन मैं अपने आपको पहाड़ का पूरा दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या है, तो आज हम गई नहीं, आज मैंने पूरा बाहर का साफ़ सफाई किया था, आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा बाहर, इतना टाइम लग गया मेरा, फिर खाना इसी ने बनाया आज। देखिए गाइस पूरा मैंने यहाँ पे घास निकाला हुआ है, दिन सुबह से नहा धोने के बाद यही सारा काम किया है, यहाँ पे जमा हुआ था घास पूरा, अभी और बचा है थोड़ा बहुत, इनको भी मैं निकालूंगी कल जब धूप आएगी उस टाइम निकालूंगी। पूरा ये किया अंदर की सफाई की, और कमरे की भी हो चुकी है हमारी सफाई, तो बाकी का काम अब कल शायद हमारा कुछ ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि सारा काम आज कर ही दिया है। कल मैं बनाऊंगी वहाँ पूरे घर का ब्लॉग, तो अगर नेट चला तो फिर डाल अपलोड कर दूंगी, नेट नहीं चला तो हल्द्वानी जाके अपलोड करूंगी। अभी हम बनाते हैं चाय, चाय पीते हैं ठंडियों में, यहाँ पे तो ज़्यादा चाय पीनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। यहाँ पे राधा बना के लेके आ गई है चाय, और साथ में लाई है पॉपकॉर्न, तो ये भनौली से ही लेके आए थे हमने, यहाँ
वो कर दिए हैं। तो अभी हम पी रहे चाय, हम पियेंगे गुड़ वाली, ये पिएगी चीनी वाली, क्योंकि इसको गुड़ की अच्छी नहीं लगती है, ये पिएगी चीनी की। तो हम पियेंगे गुड़ की, और बाकी सामान भी ऐसी है, अभी और थोड़ा और ठीक करना है। गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ दीदी चूल्हे में रोटी बना रही है। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ चूल्हे में रोटी, पहली बार शादी के बाद से, शादी से मैंने आज तक कभी रोटी बनाई नहीं है, ना पहले अपने वहाँ बनाई थी, यही बना रही हूँ। तो मैं सीख रही हूँ, और मेरी एक रोटी फुली है, ये देखिए गाइस गोल। एक मिनट, ये रोटी बना रही है और राधा बना रही है अंडे की भुजिया, मेरी रोटी चली गई। ये रोटी देखो कितनी सुंदर सुंदर, ये आटा आटा मैंने बोला है, आटा बहुत गंदा बोला था तुमने यार, आटा अच्छा नहीं था ना, मैं क्या करूँ, मैंने तो जैसे तैसे होल दिया। यहाँ देखो, यहाँ अंडे बन रहे, अभी अंडे की भुजिया बना रहे हैं भैया, और इनको देखो ये कोपचे में घुसे पड़े हैं, ठंडा हो रहा है, इनको तो ज्यादा ही ठंडा लग रहा है, देखो गाइस रात को देखो कैसा लग रहा है, इसलिए छुपाऊं क्योंकि इनको डर लग रही है गाइस। ये देखो गाइस मेरी एक रोटी और फूली है, गरम गरम। धुआं बहुत हो रहा है, धुआं तो हो गई है बाद में। गाइस इन लोगों को डर लग रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं दूर से कमरे में जा रहा हूं। बहुत धुआं हो रहा है गाइस, बहुत धुआं, यहाँ चूल्हे में रोटी बननी है और ये फूक करते रह रही है, इतना धुआं हो रहा है कि मेरे आंख से आंसू आ रही है। और रोटी देखो कितनी टेस्टी लग रही है, ये रोटी पता है तुम्हें बहुत अच्छी होती है, चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है, आज तुझे स्वाद चखो कि चूल्हे की रोटी का। खाई है मैंने, और यहाँ बनने हैं अंडे गैस में गाइस, ये बहुत टेस्टी हो रहे हैं आपको। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, और अंडे की भुजिया रोटी बनाई थी, और अभी क्या कहते हैं कहीं पूजा थी तो वहाँ से ताई लेके आई है मीट, जो ये रखा है इसको खाएंगे हम बाद में, या फिर अगर अभी खाती है तो राधा खाएगी, वरना फिर हम खाएंगे सुबह। तो गाइज यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।